ना ना डॉक्टर बाबू, ये कमरे में। राजा क्या हाल है? क्यों लाए हो डॉक्टर साहब को अन्ना? तुम लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगे। राजा डॉक्टर साहब मुझे दवा नहीं सहर दे दीजिए, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, नहीं चाहिए। डॉक्टर का काम जिंदगी देना है, जहर नहीं। जिसे खुद मौत की आरजू हो, मौत की आरजू बुजदिल किया करते हैं राजा बेटा। जिंदगी से नफरत वो करते हैं जिनमें गमों के तूफान से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती। मैं हार गया हूँ डॉक्टर साहब, मैं टूट गया हूँ। राजा अरे तुम तो बड़े जिंदा दिल हुआ करते थे, हर घड़ी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहटें दौड़ा करती थी, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? जिस बदनसीब का आशियाना बिजलियों की नजर में आ जाए उसे चलने से कौन बचा सकता है? किसने किसने जलाया तुम्हारा आशियाना? हालात की सितम जरीफी देखी डॉक्टर साहब, लुटने वाला लुटेरे का नाम भी नहीं ले सकता। लगता है बेटा तुम्हें कोई बहुत गहरी चोट लगी है, उसका इलाज दवाओं से नहीं दुआओं से होगा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हें बहुत जल्द सेहतयाब कर दे। चल, ऑल द बेस्ट। दुआओं से भी कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा राजा ठीक हो जाएगा ना? हाँ, राजा को कोई बीमारी नहीं है, ऐसे लगता है जैसे कोई गहरा सदमा पहुंचा है उसे। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, किसी करोड़पति बाप की बेटी की नजर लग गई मेरे राजा को। क्या करिए डॉक्टर साहब, राय बहादुर महेंद्र सिंह का बेटी ने मेरा राजा का दिल तोड़ दिया। तुम चिंता मत करो बेटी, राजा अच्छा हो जाएगा ये मैं वादा करता हूं। हाँ, ये मेरा कार्ड है, इसे संभाल कर रखना, कभी भी जरूरत पड़ जाए तो मुझे बुलाने में देर मत करना बेटी। हा? जी डॉक्टर साहब। चल आई। हम तुम्हारी बीमारी से वाकिफ हो गए हैं बेटी, बहुत जल्द तुम्हें अच्छा कर देंगे। जिसका ईश्वर ही उससे रूठ गया हो उसे डॉक्टर क्या ठीक करेगा? अपने डॉक्टर अंकल पर भरोसा नहीं है? अपने आप पर भरोसा नहीं, मगर हम पर भरोसा रखो बेटी, हम बहुत जल्द तुम्हारी बीमारी का इलाज कर देंगे। ए दरबार, अरे वॉचमैन आओ आगे। कौन हो भाई, क्या बात है? वो तुम्हारे साहब है घर में? वो तो दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कब तक वापस आने वाले हैं? वो तो कल ही गए हैं, दो चार दिन में आएंगे। अरे वाह, फिर तो और भी अच्छी बात है। क्या कह रहे हो तुम, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब यार बात यह है कि दरअसल मैं और मेरी बीवी थोड़ी देर के लिए इस बंगले में आना चाहते हैं। थोड़ी बंगले में? अरे जरा अपना हुलिया तो देखो। हमारी यार नई नई शादी हुई है, मेरी बीवी गांव वाली है ना, वो क्या है वो कभी नरम नरम सोफे पर बैठी नहीं ना, वो से उस पर बैठने का मौका दो ना एक बार प्लीज। नहीं नहीं हरगिज नहीं, मैं अपने मालिक का नुकसान कभी नहीं होने दूंगा। अरे यार मान जाओ यार, तो एक घंटे की तो बात है, तुम्हारा नुकसान थोड़ी हम करेंगे, और फिर मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारे 100 रुपए। मुन्ने के पापा जरा सुनिए। 100 रुपया? हाँ। इधर आइए। क्या बात है मुन्ने की माँ? आने दीजिए, एक दो घंटे की तो बात है, मुन्ने के स्कूल की फीस भर देंगे। ले लो। तुम कहती हो भाग्यवान तो ले लेता हूँ। गंजे की बीवी ज्यादा समझदार है। अच्छा ठीक है, आइए। देखना हमारा कोई नुकसान नुकसान नहीं होने देना। अमा यार तुम्हारे मालिक का बंगला हमारा बंगला, हम थोड़ी को नुकसान होने देंगे। ये पकड़ो तुम्हारे 100 रुपए, और सुनो ये 20 और रखो। जब हम आए तो बड़े अदब से चाय पेश कीजिएगा। और सुनो ये 20 और पकड़ो, हमारी बीवी साहब को बड़े जोर से सैल्यूट मार रहा है। और सुनो आदत सी पड़ गई तुम्हारी, तुम्हारा नाम क्या है? शंकर दयाल। तू से नाम बोलो। शंकर दयाल। शंकर दयाल। अब चलते बोलो। शंकर दयाल, शंकर दयाल। चलो भाई ले आओ लड़की।
राय बहादुर महेंद्र सिंह से कहो कि जगपाल सिंह उनसे मिलने आया है। वो तो बाहर गए हुए। वापस कब आएंगे? जी मालूम नहीं। तो उनसे कहना कि हम कल शाम को उनसे मिलेंगे। जी। हाँ तो अमर साहब, आगे क्या इरादा है आपका? जी मेरा मतलब है कि आप पढ़ाई जारी रखेंगे या फिर कारोबार शुरू करेंगे? मैं अमर को एक बहुत बड़ा अच्छा सा हॉस्पिटल खोल के देना चाहता हूँ। ख्याल अच्छा है। वैसे भी आजकल दो ही धंधे तो चल रहे हैं, एक शराब का और दूसरा अस्पताल का। अबे तू हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है। हम डॉक्टर लोग ये पेशा पैसे के लिए नहीं, इंसानों की सेवा करने के लिए करते हैं। अच्छा जी, आपकी समझ में नहीं आएगा, आप शराब पीजिए। डॉक्टर साहब देखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे हुआ क्या है जो तुम मुझे यहाँ ले आई है? बिल्कुल ठीक तो हूँ। चल चल चलो घर वापस चल। ये क्या बात हुई राजा? अब आए हैं तो डॉक्टर साहब को दिखा के चले। नहीं दिखाना डॉक्टर को आज। सुन ना राजा, बात मान ना। क्या राजा? आओ ही आओ। देखिए ना डॉक्टर साहब, आपको बिना दिखाए राजा वापस जा रहा था अभी। क्यों? फिर कभी आ जाऊंगा डॉक्टर साहब। नहीं। अरे ऐसे कैसे, मेरे आए हो तो ऐसे जा सकते हो क्या? लेकिन आओ आओ आ जाओ। ये मेरा बेटा अमर। हेलो। अमेरिका से डॉक्टरी पास करके आया है। और यह है राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी पूनम। बेटी तू तो इसे जानती होगी। खैर, और ये कल्पना। नमस्ते। और यह है राजा, सिर्फ नाम का ही नहीं दिल का भी राजा है। बैठ। अरे बैठो ना। हाँ बैठो। अरे नीचे नहीं ऊपर बैठो, क्या कर रही हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके चरणों में ही ठीक हूँ। शायद आपको रहम आ जाए और आप मेरे राजा की बीमारी दूर कर दे। अरे तुम ऊपर बैठो, राजा की तबीयत हम वैसे ही ठीक कर देंगे। बैठो। बाय द वे, इन्हें क्या बीमारी है पापा? क्या बताएं बेटा, ये इंसान कभी खिले हुए फूल की तरह था। इसके एक मुस्कुराहट पर मुरझाई हुई कलियां भी खिल उठती थी। अब खुद मुरझा गया, जाने किसकी नजर लगी इसे। डॉक्टर साहब मेरा यहाँ दम घुटने लगा, मुझे जाने दीजिए। अरे कुछ नहीं है, कुछ देर हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। खुशियाँ? डॉक्टर साहब ना जाने क्यों मुझे खुशियों से डर लगने लगा है। अरे कोई डर वर नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फुतूर है, कोई डर नहीं है। अच्छा हाँ, बहुत दिन हो गया तुम्हारा कोई अच्छा सा गीत नहीं सुना। अरे पता है ये बहुत अच्छा गाते हैं। चलो इसी बात पे गीत सुना डालो। आपको शर्म नहीं आती डॉक्टर साहब? माफ करना, मेरा मतलब है एक मरीज को आप गाना गाने के लिए कह रहे हैं? चलो राजा चलते हैं। नहीं सोनू, मैं डॉक्टर साहब की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। राजा तुम? अरे फिर कौन जाने ऐसी महफिल नसीब हो या ना हो। सोनू, सोनू बेटी। बाबा। बेटी अब राजा का क्या हाल है? राजा की तबीयत ठीक नहीं है बाबा, उसे बहुत तेज बुखार है। अच्छा हाँ, तो फिर मैं किसी डॉक्टर को लेकर आऊं? डॉक्टर को नहीं बाबा, राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी पूनम को ले आइए। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ बाबा, राजा पूनम से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। मगर राजा की शादी तो तुम्हारे साथ होने वाली बेटी। वो मेरे नसीब में नहीं है बाबा। ये कैसे हो सकता है? हमने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि तुम्हारी शादी राजा के साथ ही होगी। आपके फैसले से क्या होता है बाबा? फैसला तो ऊपर वाले का होना चाहिए। शायद इस जन्म में राजा मेरे मुकद्दर में नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेटी। राजा तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। अब बहुत देर हो चुकी है बाबा, राजा किसी और का हो चुका है। आपकी जबरदस्ती मुझे राजा तो दिला देगी लेकिन राजा का प्यार नहीं। अब जाने दीजिए ना, जो होना था हो गया बाबा। अब देर मत कीजिए, चाहिए जाकर राय बहादुर जी को समझाइए और राजा को उसकी पूनम दिला दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, चाहिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी तुमने, आप ही से तो सीखा है बाबा। आपने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कुर्बान किया। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है ना बाबा? हाँ बेटी, आज तूने एक गरीब बाप का सीना चौड़ा कर दिया बेटी।
एक राजपूत का सिर ऊंचा कर दिया तूने बेटी, मैं वही करूंगा जो तू चाहती है। बाबा